वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाय मन आनंद है जियो साचो सचा नाम गुण गोविंद है जियो जीवा तेरा नाय मन आनंद है जियो साचो सचा नाम गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिर जी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई आपे कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सर अवर न कोय आया जाय सी जियो हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो गुर परम चुकाए अकथ कहाए सच में सच समाना आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडिआई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहेब अवर न दूजा नाम तेरे वडिआई तू सच्चा सिरजनहार आलख सिरंदे आ जियो एक साहेब दोयरा वाद वदंदे आ जियो दोयरा चलाए हुक्म सवाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारण हारा नानक साहिब शब्द सियापै साचा सिरजनहारा भगत सोहै दरबार शब्द सोहाया जियो बोलै अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै शब्द वेकाणे पारस परसै पारस होए जानते रह मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए सा जियो सच नाम त्याई सच चवाई गुरमुख सच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अनदिन नाम बखाणा करनी कार तुरहों फुरमाई आप मुआ मन मारी
नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी करणी कार तुरहु फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला जीवन तेरा नाए मन आनंद है जियो सचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरवण किए ने अज के पवित्र महाफरमान अज के हुक्मनामे साहब पवित्र महाफरमान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन शोभंग नंबर 688-699 उपर 688-689 उपर सुभाईमान ने सतगुरु जी का लेनी है नाम और करते हैं विचार शुरू अज के हुक्मनामा साहब जी की। अज का पवित्र पावन महाफरमान तनासरी राग के पातशाह प्रथम सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की मुबारक पवित्र बाणी दे विचों बख्शिश होया है। पवित्र हुक्मनामा साहब जी दे विच आपां पंज बदे देखते हाँ और हर बदे के आखिर दे विच सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के पावन नाम की वरतों है और हर एक बंद दे विच सतगुरु जी ने उस अकाल पुरख के नाल जुड़न और जोड़न का सानू रस्ता दसिया है। जीवां तेरे नाए मन आनंद है जियो पहली गल जीवना दी है। जीवना उस अकाल पुरख के नाम के नाल है और जिवें सेहतमंद जीवित मनुख संसार दे विच संसारक आनंद माणदा है इस तरह ही आत्मक पक्षों वाहिगुरु दे नाम दा भोजन खाण वाला आत्मक पक्षों अपने आप नूं जवान करन वाला मनुख हमेशा ही उस अकाल पुरख दे नाम दा महा आनंद माणदा है और इहो ही उसकी जीवना है। ये नाम है कि साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो। सच्चा नाम उस एक अकाल पुरख दा जिस दे विच उस एक अकाल पुरख दे नाम दे गुण गायण दी जाच और यह गुण ज्ञान तो बिना नहीं गाए जा सकते और ज्ञान गुरु देवेगा। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजी तिन गोई जिन सिरजी तिन गोई। गोई का मतलब है गवाई पावनास कीती। तेरे नाम दे विच जुड़ के ही आत्मक जीवन है और आत्मक जीवन दे विच ही आनंद है खुशी है। अकाल पुरख का नाम सदा थिर रहने वाला है और केवल एक प्रभु ही है जो गुणा का खजाना है और घट घट के अंतर की जानन वाला है। गुरु का दिता होया गुरु वालों बख्शा होया ज्ञान जिस मनुख नूं मिल जाता है उस मनुख नूं उस सिरजनहारे प्रभु दे बेअंत गुणा दे गायण दी जाच आ जाती है। सिरजनहारा जिसने इस सृष्टि पैदा की है उही इस सृष्टि नूं नाश करन दी शक्ति रखता है कोई होर नहीं। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा जिन सिरजी तिन गोई परवाना आया हुक्म पठाया फेर न सके कोई आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बजाई नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई। आत्मक जीवना उस अकाल पुरख के सच्चे नाम दे नाल है। सच्चे नाम तो बिना आत्मक जीवना नहीं। इस दे लई नाम जपण की विधि गुरु दसते ने गुरु ही ज्ञान दसते ने। उस गुरु के ज्ञान दे नाल मनुख नूं यह गल समझ लगती है कि जिस अकाल पुरख ने संसार बनाया उही इस नूं खत्म करन दे लई फिला करन दे लई गवाण दे लई उस दे कोल ही समर्थ शक्ति है होर किसी दे कोल नहीं।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਕਿ ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ।